देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है, इफ इन ए कॉयल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर पर मिली सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज इन एरिया यानी dA by dt जो आपको गिवन है वो क्या दे रखा है, 5 मीटर स्क्वायर पर मिली सेकेंड है। तो मिली सेकेंड के लिए हम यहां पर इसको चेंज करेंगे सेकेंड में, तो 10^-3 नीचे तो 5 × 10^+3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड को हमने सेकेंड में चेंज कर लिया, तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन एरिया आ गई। एंड करंट बिकम्स 1 एम्पियर फ्रॉम 2 एम्पियर, 1 एम्पियर हो गई है कहां से, 2 एम्पियर से, इन 2 × 10^-3 सेकेंड, यानी कि ये रेट ऑफ चेंज इन करंट dI/dt कितनी हो जाएगी, 2 − 1, क्योंकि 2 से 1 हुई है, कितने सेकंड में, 2 × 10^-3, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2 × 10^-3 हो जाएगा ऊपर जाकर, ये 10^+3 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एम्पियर पर सेकंड में हमने निकाल लिया। ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 1 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो 1 टेस्ला दिया हुआ है, देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल इज, सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने E = जो EMF होता है वो क्या पढ़ते हैं, LdI/dt - LdI/dt, और जो EMF होता है फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, -d∅/dt, क्या आ जाएगा, -Ldi/dt, माइनस माइनस कैंसिल। अब फाई को हम क्या लिखते हैं, B.A, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है लेकिन एरिया वेरिएबल है, एरिया वेरी कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो उसको तो बाहर निकाल लेंगे, तो B dA/dt = क्या आएगा, Ldi/dt। अब हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी वैल्यूज हमें गिवन है पुट कर देते हैं, B का वैल्यू 1 दिया हुआ है, dA/dt हमने फाइंड किया यहां पर निकाल दिया हुआ है, 5 × 10^+3, ये 10^+3 = L, और dI/dt की वैल्यू भी आपको गिवन है 1/2 × 10^+3, ये 10^+3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो L = क्या आ जाएगा, ये 2 उधर जाकर 10 कर देगा, 10 हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आ गया। क्लियर है, जो जो गिवन है वो हमने देख लिया है, बाकी रिलेशन हमें पता था।